हाथ की किल्लत से जनता परेशान। जिला अररिया के ग्राम पंचायत मदनपुर पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह ने उर्वरक के लाइसेंस को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए आप इस वीडियो में। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आइए जानते हैं जिला अररिया प्रखंड अररिया के ग्राम पंचायत मदनपुर पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह से इनका परिचय। उमेश प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत मदनपुर पूर्वी, अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। अभी आपके कितने टर्म हो गए महोदय इस पैक्स की सेवा देते हुए? मेरा चौथा टर्म होने जा रहा है। महोदय से जानते हैं इनके पैक्स को क्या कुछ आवश्यकता है और सरकार क्या पूरी कर रही है? ना विफल हो रहा है सरकार इस मामले में। इतना बहुत बहुत तथ्य बोलते हैं जी, आश्वासन देते हैं, इतना इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहीं कुछ तरह का बात नहीं हो रहा है। लाइसेंस हम लोग को नहीं मिल रहा है, खाद बीज वाला मिट्टी वाला लाइसेंस, खाद बीज का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की समस्या है, अधिप्राप्ति में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे सत्र चल रहा है सर धान अधिप्राप्ति का, तो कितने मैट्रिक टन धान अभी आपने खरीदा होगा अपने पैक्स के लिए? अब तक मैट्रिक टन जब से सब काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब की बार कहाँ अभी तक खरीदारी हुई है? शुरू नहीं किया है महोदय। हरित कृषि यंत्र के रूप में क्या कुछ आपको आवंटित हुआ? जी नहीं, प्रोग्रेस में है, दिए लेटर दे दिए हैं, आवेदन दे चुके हैं। आप जैसे आके किसान के अध्यक्ष हैं महोदय, और उर्वरक का लाइसेंस आपको है अथवा नहीं महोदय? लाइसेंस पहले किए थे, यानी 2006 में हम लाइसेंस बनवाए थे, एक दो टर्म किए, एक दो ट्रिप मानी खाद बीज लाए किसान को दिए, बाद में लाइसेंस नहीं कम कर पाए जिसके चलते लाइसेंस हमारा रिन्यूअल नहीं हो पाया। अब जो करने जा रहे थे लाइसेंस हो नहीं रहा पा रहा है, लाइसेंस रिन्यूअल होने के लिए। तो आपकी मंशा होगी कि आप किसान के अध्यक्ष होते हुए इनके खाद की समस्या को किस प्रकार से निदान करना चाहेंगे? सरकार चाहेगी तब ना, सरकार से लाइसेंस दे ही नहीं रही है तो किसान को कैसे इसमें अति करेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि जितना जितना खाद हमको मिले सरकार के माध्यम से पैक्स को, कि ताकि हम किसान को दे सकें, लेकिन उस तरह का व्यवस्था हो नहीं रहा। जैसा कि आपने बताया महोदय कि 200 एमटी का गोदाम है, क्या 200 एमटी के गोदाम से आपकी आवश्यकताएं, पैक्स की आवश्यकताएं पूरी हो जा रही है? फिलहाल भी पूरी हो जाती है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पीडीएस के लाइसेंस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पीडीएस लाइसेंस हम शुरू से नहीं मिला हम लोग को, इसलिए कि हम लोग का पंचायत में उस तरह का जगह ही नहीं है, कोटा खाली नहीं है। कोटा खाली जी नहीं, पूर्ण हो चुका है, आठ डीलर इसलिए हम लोग को नहीं मिला, जिसमें कि हम लोग पैसा भी मदनपुर पूर्वी प्लस पश्चिमी हम लोग दोनों पैसा भी जमा किए थे, 1,00,000 रुपया शेयर में बैंक को दिए जमा किए थे, फिर हम लोग का बैक हो गया। अंततः सर से जानते हैं इस पंचायत मदनपुर पूर्वी की जनता जिन्होंने इनको सम्मानित पद पे लगातार चौथी बार से सम्मान दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन जनताओं के लिए जिन्होंने आपको चौथी बार इस कुर्सी पे लाया पैक्स अध्यक्ष के रूप में? हम तो यही चाहते हैं कि जितना से जितना जल्द हो सरकार से आमंत्रण प्राप्त करें और जनता को लाभ दे सके, यही सरकार से मिलाती है और विभाग से मिलाती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जी। धन्यवाद। अभी आपने सुना प्रखंड अररिया ग्राम पंचायत मदनपुर पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह की विचारधारा, जिन्होंने अपने विचार से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज।